दोस्तों आप सभी के लिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज टू को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट है। नोटिस 18 तारीख को जारी हुई है, लेकिन बहुत सारे छात्र इसमें कन्फ्यूज है कि करना क्या है, और आप सभी के लिए ज़रूरी काम है, आपको करना ही करना है। करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। इस वजह से समझ लो पहले बात किया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित रिक्तियां विलंब से प्राप्त होने के कारण इन भर्तियों को, इन पदों को शिक्षा विभाग के अंतर्गत दिखाया गया था, और इसके लिए कोई अलग से आवेदन और अलग से शुल्क नहीं लिया गया है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में कई विभागों की भर्ती है, जैसे कि एक तो शिक्षा विभाग की भर्ती है, दूसरा SC ST कल्याण विभाग की भर्ती है, और तीसरी भर्ती है OBC कल्याण विभाग की। तो OBC कल्याण विभाग के लिए आपसे अलग से आवेदन लिया गया था, अलग से पैसा लिया गया था, लेकिन जो SC ST कल्याण विभाग की वैकेंसी थी इसमें अलग से आवेदन भी नहीं लिया गया और अलग से पैसा भी नहीं लिया गया, यानी फीस भी आपसे नहीं ली गई। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि अतः अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जिलों की सूची की अंत में शामिल करते हुए संयुक्त सूची के क्रम में जिला विभाग आवंटित किया जाएगा। इसके आलोक में सूचित किया जाता है कि इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 19 दिसंबर और 20 दिसंबर तक आयोग की वेबसाइट पर जाकर के यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करके डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराए गए लिंक डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी की को सेलेक्ट करके 3 जिलों के विकल्प में संशोधन करके SC ST कल्याण विभाग के अंतर्गत पदों के लिए एक विकल्प के रूप में WSC ST को शामिल कर सकते हैं। उक्त का चयन नहीं करने की स्थिति में SC ST विभाग के पदों के लिए परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। नोटिस आपके सामने है। इसका मतलब क्या, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, इसके बाद कैसे करना है वो भी आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को पहले तो लाइक कर दो, ना किया हो तो, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अब आगे देखो, इसमें कह रहा है कि जब हमने आवेदन लिया था तो क्या हुआ था, उस समय SC ST कल्याण विभाग की वैकेंसी देर से आई थी, तो हमने इसको शिक्षा विभाग की वैकेंसी में ही इंक्लूड कर दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछ कह रहा है कि अगर आप ये चाहते हो कि शिक्षा विभाग की वैकेंसी में भी आप दावेदारी रखें और SC ST कल्याण विभाग की वैकेंसी में भी दावेदारी रखें, यानी अगर दोनों वैकेंसी का लाभ लेना चाहते हो, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। काम करना क्या है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने पर वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी का। ठीक है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहाँ पर आपको तीनों ज़िले जो फॉर्म में आपने भरे होंगे, तीनों ज़िले दिखने लगेंगे कि आपने किस किस ज़िले के लिए आवेदन किया है। उन दो ज़िलों को आप चाहें तो बदल सकते हैं या वैसे रहने दे सकते हैं, लेकिन जो तीसरा विकल्प है उसमें आपको ये सेलेक्ट करना WSC ST। अगर आप ये सेलेक्ट करके फॉर्म को अपडेट कर देते हैं, संशोधन कर देते हैं, तो आप शिक्षा विभाग की वैकेंसी के लिए भी दावेदारी रख पाएंगे और SC ST कल्याण विभाग की वैकेंसी के लिए भी दावेदारी रख पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो नुकसान सिर्फ आपका होगा, क्योंकि उस समय फिर आप शिक्षा विभाग की वैकेंसी के लिए ही केवल दावेदारी रखेंगे, SC ST के जो विद्यालय उनमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एक चीज़ आपको और बता दूँ, यहाँ पर ये काम केवल SC ST छात्रों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप चाहें तो इन वैकेंसीज इन पदों के लिए जो आप अगर में दावेदारी रखना चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें करना कैसे है। सबसे पहले आपको BPSC की वेबसाइट पर जाना, जहाँ से आपने लॉगिन किया होगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा, डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पर राइट साइड में देखोगे तो ये ऑप्शन दिखेगा, बटन दिखेगा आपको, ये देखो यहाँ पर अपडेट योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी, इस तरीके से पेज आपको दिखेगा, आपको इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से तीनों ज़िले खुल जाएंगे। देखो ध्यान से देख लो, डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी 1, 2, 3, और जो आपने उस समय डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी दिया होगा, तीनों विकल्प आपके सामने खुल जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप संशोधन करना चाहते हैं इन जिलों में तो आप यहीं पर जिलों में संशोधन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें जिलों में संशोधन नहीं करना, सिर्फ SC ST कल्याण विभाग की भर्ती में शामिल होना है, तो आप क्या करिए, ऊपर के दो ज़िले सेम टू सेम रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो तीसरा ज़िला है
इसको आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक कर दोगे इस तरीके से आपके सामने पेज दिखेगा जहाँ पर सभी ज़िले यहाँ पर आपको दिखने लगेंगे। तो सबसे नीचे आना ज़िलों की लिस्ट में, वैशाली के नीचे मिलेगा, ये लिख करके आएगा WSC ST। आपको बस इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे इस तरीके से आपके सामने पेज खुलेगा। ऊपर दो वही ज़िले आपको दिखेंगे जो आपने पहले सेलेक्ट किए होंगे और नीचे यहाँ पर ज़िले की जगह पर आ जाएगा WSC ST। ठीक है, आप चाहें तो ऊपर वाले दोनों ज़िलों को बदल भी सकते हैं अगर आप बदलना चाहें तो, वो आपकी ऊपर इच्छा है। लेकिन तीसरे विकल्प में आपको WSC ST यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट का बटन मिलेगा, सबमिट बटन पर क्लिक करके आप इसको अपडेट कर देना तो आपका काम ख़त्म। अब आप दोनों प्रकार की वैकेंसीज में शामिल हो पाओगे, शिक्षा विभाग की वैकेंसी में भी और SC ST कल्याण विभाग की वैकेंसी में भी। इतना काम आपको करना है। तो यहाँ पर अगर आप इतना काम कर देते तो मान लीजिए शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी है उसमें मेरिट ज़्यादा जाती है, पॉइंट से आपका रुक रहा है, तो आप SC ST कल्याण विभाग की वैकेंसी में आप दावेदारी रख रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका चयन हो जाएगा। तो जिसका कम नंबर है उसको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा और जिसका ज़्यादा नंबर है उसको वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फटाफट ये काम कर दो क्योंकि इसकी लास्ट डेट 19 और 20 दो ही दिन है, यानी 20 तारीख इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट है। तो समय बहुत कम है, 2 दिन का समय BPSC की तरफ से दिया गया है। अब आपके पास 1 दिन का समय और शेष है, इस काम को कर देना। इसको करने के लिए आप लोग governmentjobcenter.com पर जा सकते हो, वहाँ पर BPSC वाले लिंक पर जा करके लॉगिन पे क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट तक पहुँच सकते हैं और ये काम कर सकते हैं।